हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, पीएचपी सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइस, हमने इससे पहले इफ एल्स कंडीशन, इफ और एल्स इफ कंडीशन के भी बारे में पढ़ा था। तो गाइस, आज हम सीखेंगे यहां पर पीएचपी के एक और फंक्शन के बारे में जिसका नाम है यहां पर स्विच स्टेटमेंट। तो गाइस, स्विच स्टेटमेंट और पीएचपी के इफ एल्स स्टेटमेंट में यहां पर ये फर्क है। तो गाइज, बेसिकली जब हम इफ एल्स का यूज करते हैं तो गाइज उसके अंदर हम एक कंडीशन पास करते हैं इफ कंडीशन के अंदर, और साथ ही साथ अगर हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं तो गाइज हम उसके अंदर भी कंडीशन को पास करते हैं। बट गाइज, स्विच में क्या होता है, हम स्विचेस में यहाँ पर एक केस जनरेट कर लेते हैं, और जब स्विच के अंदर जो भी हमारी कंडीशन के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं तो गाइज सिंपली ये क्या करता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस केस को यहाँ पर ये रन करा देता है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इफ के अंदर कोई कंडीशन पास करता तो गाइज अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो यहाँ पर चल जाती है। तो गाइज स्विच में ऐसा नहीं होता है, स्विच के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं, और गाइज अगर वो वैल्यू जिस केस के साथ यहाँ पर मैच होती है तो गाइज वो केस को यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करा देता है। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो गाइज इसमें क्या, और हम एक मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं। तो गाइज इफ एल्स में क्या होता था कि अगर वो खराब होती है तो गाइज ये मतलब अगर एक फॉल्स होती है तो गाइज ये क्या करता है, दूसरे की तरफ यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। बट गाइज इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर उसको फर्स्ट में ट्रू मिल जाती है तो गाइज वो उसको चला देता है। तो गाइज चलते हैं इसको सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्विच केस है गाइज, इसका ये सिंटेक्स है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है स्विच, देन इसको हम कहते हैं स्विच, देन इसके अंदर आती है हमारे पास जो भी हम इसकी वैल्यू को पास करना चाहते हैं, मतलब जो भी इसका केस को हम पास करना चाहते हैं। अब गाइज जब हम इसके अंदर केस को पास कर देंगे तो गाइज इन करली ब्रेसिस के अंदर हमारे पास वो केसेस आते हैं जो उनको हम जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज इसके अंदर क्या होता है, हमें लिखने पड़ते हैं केसेस। तो गाइज केस का हमें यहाँ पर सबसे पहले नाम देना होता है, और गाइज उसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू इस केस के साथ मैच कर जाती है तो गाइज वो केस हमारे पास यहाँ पर ये रन कर जाता है। तो गाइज चलते हैं इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्विच कंडीशन बना लेता हूँ, इसको हम कहते हैं स्विच केस। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्विच, देन इसके अंदर आती है हमारे पास वैल्यू। गाइज आप इसको एक साथ चिपका के भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब गाइज हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक केस बनाना है। तो गाइज मैं यहाँ पर एक केस बना लेता हूँ, केस के लिए आपको लिखना पड़ेगा केस, देन केस का नेम। तो गाइज मैं यहाँ पर केस का नेम लिख देता हूँ वन, सपोज करें मैंने यहाँ पर एक वन नाम का केस बनाया। अब इस केस के अंदर मैं कुछ इको करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इको करा लेता हूँ द वैल्यू इज वन। तो गाइज देखा आपने यहाँ पर केस बन चुके हैं द वैल्यू इज वन। तो गाइज इस केस को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और बार कॉपी करके प्रिंट कर लेता हूँ दो बार। अब गाइज मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक और दूसरा केस, अब बनेगा यहाँ पर तीसरा केस। तो गाइज जो ये केस टू है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ दो, और यहाँ पर दे देता हूँ तीन। तो गाइज अब हमारे पास क्या है, तीन केसेस बन चुके हैं कि भाई अगर पहला केस मिलता है इसको इस वैल्यू के अंदर तो ये क्या चलाएगा, इस वाले केस को चला देगा, और अगर इसके अंदर दो वैल्यू मिलती है तो ये दूसरे को, देन तीन वैल्यू मिलती है तो गाइज ये तीसरे को यहाँ पर ये चला देगा। तो गाइज सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ को ही पास करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू डालनी है। गाइज वो वैल्यू यहाँ पर केस से मैच करेगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वन, और चलते गाइज ब्राउज़र पर, और मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यू आ चुकी है। गाइज इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, बट गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं द वैल्यू इज वन टू एंड थ्री, बट गाइज मैंने तो यहाँ पर वन लिखा था बट इसने क्या करा, तीनों केसेस को चला दिया। बट गाइज अब देखना अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीन, और चलते गाइज ब्राउजर पर, तो गाइज देखा आपने अब इसने दिया द वैल्यू इज थ्री। तो गाइज इसमें क्या होता है, अगर इसको ये पहला केस यहाँ पर ट्रू मिल जाता है, अगर मैंने यहाँ पर वन वैल्यू डाल दी है और यहाँ पर भी मैंने वन वैल्यू डाल दी है तो गाइज इसको केस वन यहाँ पर ट्रू मिल चुका है। तो गाइज अगर ये केस ट्रू होता है तो गाइज ये क्या करता है, ये रुकता नहीं है, ये केस टू पे भी जाएगा देन केस थ्री पे भी जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पर केस की वैल्यू, मैंने यहाँ पर जो स्विच के अंदर वैल्यू पास करी है वो केस की थ्री वैल्यू पास करी है, तो गाइज इसने क्या करा, इसने पहले यहाँ चेक करा होगा, इसको नहीं मिली, देन इसके बाद इसको यहाँ भी नहीं मिली, बट इसको मिली यहाँ पर। अब गाइज इसने यहाँ पर तीन ही वैल्यू क्यों प्रिंट कराई, क्योंकि गाइज इसके बाद आगे कोई केस इसके पास मिला ही नहीं। तो गाइज देखा आपने इसे क्या करता है, मतलब ये चलाता सारे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दो तो अब ये क्या करेगा, दो और तीन में जो प्रिंट कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको पहले केस के अंदर तो पहली वैल्यू नहीं मिली बट दूसरे केस के अंदर दूसरी वैल्यू उसको मिल चुकी। तो इसने क्या करा, उस केस को चला दिया, लेकिन उसके बाद वाले केस को भी चलाता जाता है। तो
तो गाइज इस चीज को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं ब्रेक का। तो गाइज इसके बाद आपको क्या लगाना है, जैसे ही आपका जो पहला केस होगा, जो आपको कॉलन लगाने के बाद आपका कुछ भी केस हो सकता है, आप इसके अंदर कुछ भी परफॉर्म करा सकते हो। तो गाइज अगर आपको इस केस के मिलने के बाद इसको यहाँ पर बंद करा देना है तो आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आती है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। अब गाइज अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर वन, तो क्या मुझे आउटपुट देगा, अब ये वन टू थ्री नहीं दे रहा है मुझे, मुझे दे रहा है द वैल्यू इज वन। क्यों गाइज, इसको यहाँ पर एक केस मिल चुका है और इसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पर ब्रेक कि भाई यहाँ ही रुक जाओ अगर तुम्हें यहाँ पर वैल्यू ट्रू मिल चुकी है। तो अब अगर गाइज मैं इसके बाद भी ब्रेक लगा दू टू के बाद, तो अब ये टू थ्री प्रिंट नहीं करेगा, ये मेरे को क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ टू। अब ये टू थ्री कर रहा था जब मैं टू डाल रहा था, तो रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने द वैल्यू इज टू। तो गाइज जैसे ही उसको वो केस मिला उसके बाद ये क्या हो जाती है, यहाँ से ब्रेक हो जाती है कि भाई तुम यहीं रुक जाओ, इसके बाद आके बाकी के केस को नहीं चेक करना आपको। तो गाइज अब अगर हमें यहाँ पर कुछ भी केस नहीं मिले तो क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर डाल दिया आपने चार, सेव करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज देखा आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों गाइज, आपको यहाँ पर वो चौथा केस तो मिला ही नहीं, आपको बेसिकली वो चौथा केस चाहिए था, बट आपने चौथा सौ ऐसा केस बनाया नहीं कि भाई मुझे अगर चार वैल्यू आए तो मेरा ये चार के लिए केस चला दो, बट चौथा तो केस है ही नहीं। तो गाइज इस सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, स्विच के साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफॉल्ट, देन डिफॉल्ट लिख के हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है कॉलन। तो गाइज ऐसा नहीं कि आप इसको इसके साथ ही नीचे यूज़ करेंगे, गाइज आप इसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। वो मैंने नीचे से लिखा था ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि इसके अंदर हम क्या क्या यहाँ पर करा सकते हैं। तो गाइज अगर मुझे यहाँ पर एक केस फोर नहीं मिलता है तो हम एक डिफॉल्ट में वैल्यू डाल देंगे इको द केस फोर डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई हमारा ये चौथा केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो गाइज चलाते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज देखा आपने द केस फोर डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज ये क्या होती है, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर उसको वो तीनों ही केस ना मिले तो गाइज ये चौथा केस इसको क्या मिलेगा, मतलब डिफॉल्ट के रूप में मिलेगा। तो गाइज ये डिफॉल्ट को चला देता जब अगर इसको केस नहीं मिलता है तो। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक ब्रेक, तो अब ये गाइज क्या होगा, गाइज पहले मैं ब्रेक हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर करता हूँ तीन, तो गाइज देखते हैं आउटपुट क्या आता है, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज इसने क्या करा, द वैल्यू इज थ्री, द केस फोर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों गाइज, इसको तीन मिल चुका बट इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, तो ये क्या करता है आगे का भी रन करा देता है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा हमारे केस किस तरीके से काम होते हैं। अब गाइज इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर ही डाल सकते हैं, आप यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो गाइज इसको तो करता हूँ कमेंट, चलते हैं गाइज एक और स्विच केस बनाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जनवरी, गाइज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जनवरी, और कर्ली ब्रेसेस से हम अपने केसेस को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आपने ऊपर स्ट्रिंग पास करी है तो गाइज आपको भी यहाँ पर स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, अगर उसको जनवरी मिल जाता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इको करा लेगा जनवरी। मैं यहाँ पर लगाता हूँ सेमीकोलन। तो गाइज अब ये क्या है, ये पहला केस बन चुका मेरा कि भाई अगर उसको जनवरी मिल जाता है ना तो गाइज ये जनवरी वाला केस चला दे। तो गाइज ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेते हैं और तीन चार प्रिंट करा लेते हैं। तो गाइज अब दूसरा केस फैब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में फैब, इसके बाद हमारा जो तीसरा केस है वो होगा मार्च का, देन अगर वो मार्च मिल जाता है तो मार्च प्रिंट करा दे, देन हम करा देंगे यहाँ पर अप्रैल। तो गाइज हमारे पास हो गए चार केस, अब इन सभी के बाद हम लगा देते हैं यहाँ पर ब्रेक। तो गाइज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रेक, और नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसको कोई भी केस यहाँ पर नहीं मिलता तो हम लगा देंगे यहाँ पर डिफॉल्ट नो वैल्यू मैच, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो वैल्यू मैच। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इको हमें इसको कराना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नो वैल्यू मैच। तो गाइज देखा आपने हमने क्या करा, बेसिकली पहला केस चलाया जो कि जनवरी का था, दूसरा केस है फेब का, तीसरा मार्च, देन चौथा अप्रैल। अब गाइज इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ना मार्च, तो मुझे क्या करेगा, ये मार्च वाला मुझे यहाँ पर केस चला कर देगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ तो सिर्फ वैल्यू ही डलती है, केस हमारे यहाँ पर बनते हैं, और केस कैसे हो सकते हैं, या तो स्ट्रिंग में
या नंबर्स के फॉर्म में। तो गाइज मैंने मार्च लिखा है यहाँ पर, और अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर जनवरी, तो गाइज ये पहला केस मुझे यहाँ पर चला कर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर डाल देता टू, तो गाइज देखते क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज देखा आपने नो वैल्यू मैच की, भाई उसको ऐसा तो केस मिला ही नहीं जिसके अंदर दो वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पर जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल यहाँ पर इंसर्ट कराए थे। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम स्ट्रिंग और नंबर्स में किस तरीके से चला सकते हैं। तो गाइज ये तो था हमने जो मैनुअल वैल्यू डाली थी, अगर आपको कोई वेरिएबल से वैल्यू डालनी हो तो वो आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैल्यू नाम से, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ टू, तो इसकी मैंने वैल्यू दे दी टू। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यहाँ पर से उठाकर यहाँ, गाइज जो वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है वही वैल्यू तो यहाँ भी आएगी, तो गाइज वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू जा रही है अभी, दो, तो गाइज दो वैल्यू गई, तो इसमें क्या चलेगा, द वैल्यू इज टू। तो गाइज देखा आपने सेकंड केस इसमें चल गया, अगर यहाँ पर वैल्यू बदलती है तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो केस की मैं वैल्यू डालूंगा वही केस की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर स्ट्रिंग डालना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे चैनल का नाम, तो गाइज मैंने यही डाला। तो अगर ये हैवी कोडिंग की स्ट्रिंग किसी भी केस से मैच होती है, तो गाइज ये केस बना लेते हैं एक, तो मैंने एक केस बना लिया स्ट्रिंग के साथ नंबर का, तो गाइज वैल्यू आ रही हैवी अंडरस्कोर कोडिंग, रिफ्रेश करता हूँ तो वैल्यू इज थ्री। क्यों गाइज, क्योंकि थर्ड केस में ये मेरा मिल रहा है जो कि कौन सा है, स्ट्रिंग वाला, रिफ्रेश करता हूँ द वैल्यू इज थ्री स्ट्रिंग। तो गाइज देखा आपने किस तरीके से हमारा एक कोड स्विच के स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर यूज़ होती है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आई होगी, और गाइज अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।